मैंने काफ़ी स्ट्रेस लगी रो रही, इनफैक्ट उसको डॉक्टर भी कुछ चिल्ला रहे थे, क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि किसी ने बहुत ही बुरा इल्ज़ाम लगाया पापा पर कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की है, और उसके बाद पापा बहुत हर्ट हो जाते हैं, और जो कि आध्या ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पापा अब जाके इतना उसके मना करने के बाद भी जाके शराब पियेंगे। तो वो वहाँ पहुँचते और देखते कि नहीं नहीं पापा यहाँ तो नहीं हो सकते, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, बट फिर उन्हें वो उसे दिखते हैं कि पापा अंदर बैठ के शराब पी रहे हैं, फिर वो ऑब्वियसली जाती है अंदर, उन्हें रोकती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। उसके उसे पता चलता है कि पापा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हर्ट है, तो वहाँ पर कुछ बहुत चीज़ें हो जाती हैं और पापा को चोट लग जाती है, और उसके बाद आध्या हॉस्पिटल आती है। एक सेकेंड यार, हाँ पिताजी की हरकतें कुछ ऐसी हैं कि हर दूसरे दिन किसी न किसी से मनमुटाव हो जाता है या फिर झगड़ा हो जाता है, और हालांकि इस बार गलती जो है वो उसके पिताजी की नहीं है, लेकिन कुछ इल्ज़ाम लगे हैं उनके ऊपर, और एक शख्स है जो कि पूरी भीड़ को जो है वो उत्तेजित करता है कि उनके ऊपर हाथ उठाएं, और भीड़ जो है वो इतना मारती है कि जीने मरने पे बात आ जाती है। तो आध्या जो है वो अपने पिताजी को लेके अस्पताल आई है, और पूरे समय में वो जो है जय को फ़ोन करती रहती है, उसको मैसेज करती है, लेकिन वो मैसेज का जवाब तो देता है, कहता है कि पहुंच रहा है, लेकिन पहुंच नहीं पाता। वो क्यों नहीं पहुंच पाता ये अगर बता दिया तो सारी कहानी खुल जाएगी, लेकिन हाँ कुल मिलाकर ये है कि लड़की बहुत परेशान है, और मतलब कुछ उसको जो है अब लड़के के ऊपर शक होने लगा है। हाँ मुझे पता चला कि उसने थप्पड़ मारा है, मैं तो था नहीं उस शॉट में क्योंकि मैं तो अंदर बिस्तर पे पड़ा हुआ था, लेकिन तो जाहिर है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई तो गलतफहमी है जो कि आगे आने वाले एपिसोड में दूर होगी, लेकिन हाँ फिलहाल दोनों के बीच में मनमुटाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक चीज़ तो ये हम लोगों ने तय मानी है जो क्योंकि किसी भी इंसान का स्वभाव जो है वो एकदम से एक दिन में नहीं बदल जाता, तो और ये कुछ एक चीज़ें होती हैं जो कि पूरी तरह से विश्वास के ऊपर आधारित होती हैं, तो आध्या को इस बात पे भरोसा है कि कुछ भी होगा उसका बाप करप्ट नहीं है, और जो बात सही भी है तो कभी कभी किसी का ये कह देना कि मैं गलत नहीं हूँ वही काफ़ी होता है, और उतना भरोसा उसको अपने बाप के ऊपर है। Thank you.